जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा बस एक लड़की दिखाई दी जो लगभग बारह वर्ष की थी उसकी आँखों पर पट्टी बंधी थी उसे फूलों की क्यारियों के बीच में से एक छोटा बालक बड़े ध्यान से ले जा रहा था वह लड़की से कोई चार वर्ष छोटा था लड़की रुक गई और ऐसा लगा कि जैसे उसने बालक से आने वाले व्यक्ति के बारे में पूछा है बालक उसकी जानकारी हेतु वर्णन करता रहा और फिर वे आगे चले गए मिस वीम वॉज ऑल डैट आई हैड एक्सपेक्टेड मिडल एज फुल ऑफ एट्योरिटी येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर डैट इज लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड आई आस्क हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग्स मैथड विच आई हैड हेयर व सिंपल मिस वीम को मैंने वैसा ही पाया जैसा सोचा था वह अधीर आयु की प्रभावशाली परंतु दयालु और समझबूझ वाली महिला उसके बाल अब कुछ कुछ सफ़ेद हो चले थे तथा उनका शरीर कुछ स्थूल सा था जो घर की याद से त्रस्त बच्चों को राहत देने वाला था मैंने उनसे उनके प्रशिक्षण के तरीकों के बारे में कुछ प्रश्न किए उन्होंने बताया कि उनकी जो शिक्षा शैली है वो काफ़ी सिंपल है नो मोर देन ए नीडिड टू हेल्प डेम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स सिंपल स्पेलिंग एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग द रेस्ट इज डन बाई रीडिंग टू डेम एंड

शेष पढ़ाई उन्हें पुस्तकें पढ़कर सुना देने और रोचक बातों द्वारा दी जाती है इस दौरान उन्हें चुप बैठना होता है हाथों की भी हलचल नहीं होती इसके अलावा कोई अन्य पाठ नहीं पढ़ाए जाते स्कूल का वास्तविक लक्ष्य छात्रों को गंभीर विचार देना नहीं है वर्ण उन्हें विचारशील बनाना है ताकि वे अन्य लोगों के प्रति नरम रहें तथा कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बने एक मिनट खिड़की के बाहर देखिए क्या देखेंगे I went to the window, which overlooked a large garden and a playground at the back. What do you see, Miss Beam asked? I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly, uh, jolly childrens. It pains me, though, to see that they are not also healthy and active looking. When I came in, I saw one poor little girl being led about. She has some trouble with her eyes. Now I can see two more with the same difficulty. एंड देर गर्ल्स विद अ क्रच वाचिंग दस्ट एट प्लेस शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल इसमें क्रिपल्स का मीनिंग होता है डिसेबल्ड मतलब कि अपंग उसने कहा कि मैं खिड़की तक गया जहाँ से विशाल बगीचा दिखाई दे रहा था उसके पीछे एक खेल का मैदान था उसने कहा आप क्या देख रहे हैं मिस भीम ने मुझसे ये चीज़ पूछी तो मैंने कहा वहां मैं अति सुंदर मैदान देख रहा हूँ बड़ी संख्या में प्रसन्नचित बच्चे देख रहा हूँ पर मुझे यह देखकर काफ़ी दुख हो रहा है कि सभी बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ और चुस्त नहीं हैं जब मैंने प्रवेश किया था मैंने एक छोटी बेचारी बच्ची को देखा जिसे कि एक बालक घुमा फिरा रहा था उसकी आंखों में कुछ तकलीफ़ है अब मुझे दो अन्य बच्चे उसी तकलीफ से ग्रस्त दिखाई दे रहे हैं और एक लड़की तो अपनी बैसाखी के सहारे खड़ी अन्य बच्चों को खेलते देख रही है वह तो मुझे विवश अपंग दिखाई देती मिस बीम लाफ ओ नो शी सेड शी इज इज नॉट रियली लेम दिस ओनली हर लेम डे द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे आई मस्ट हैव लुक वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ट अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर सिस्टम टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्च वी मेक देम शेयर इन मिस फॉर्च्यून टू Each, them, each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, and one injured day, and one dumb day. During the blind day, their eyes are bandaged absolutely and they are on their honor not to pee. The bandage is put on overnight so they wake blind. This means that they need help with everything. Other children are given the duty of helping them and leading them about. They all learn so much this way, both the blind and the helpers. इसमें जो मिस बेम थी वो हंसी और उन्होंने कहा ऐसा नहीं है वह बोली कि वह सचमुच में लंगड़ी नहीं है आज उसका लंगड़ी बनने का दिन है और ना ही अन्य लोगों में कोई अंधा है बल्कि उनका आज अंधा बनने का दिन है मैं बड़ी हैरानी से उनको देख रहा था वह फिर से हंसी उन्होंने कहा कि यह हमारी शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है बच्चे तकलीफ या दुर्भाग्य को भली भांति समझ लें इसलिए हम उन्हें उस तकलीफ का अनुभव कराते हैं हर बच्चे को एक सन में एक दिन अंधा एक दिन लंगड़ा एक दिन बहरा एक दिन चोट खाया तथा एक दिन गूंगा बनना पड़ता है अंधा बनने वाले दिन उसकी आंखों पर कसकर पट्टी बांध दी जाती है और उन्हें पट्टी हटाकर न झांकने की शपथ लेनी होती है पट्टी पट्टी तो पिछली रात ही बांध दी जाती है ताकि वे जगे तो उन्हें कुछ दिखाए ना दे इसका अर्थ होता है कि उन्हें हर काम के लिए मदद की जरूरत पड़ती है अन्य बच्चों को उसकी सहायता करने का काम दिया जाता है वे ही उसे घुमाते फिराते हैं और उसे इस ढंग से सभी कुछ दोनों ही सीख जाते हैं दृष्टिहीन भी तथा उसका हेल्प करने वाला भी देर इज नो देर अबाउट इट मिस एवरी वन इज वेरी काइंड एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ अ गेम बिफोर द डे ऑवर दो Even the most thoughtless child realizes what misfortune is. The blind day is, of course, really the worst. But, uh, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. We cannot bandage the children's mouths. So they really have to exercise their willpower. Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. उसने कहा इस प्रकार के खेल में अधिक कष्ट नहीं होता है मिस भीम बोलती रही कि हर बच्चा बहुत ही सहृदय होता है और यह है तो एक प्रकार का खेल जैसा है दिन की समाप्ति से पहले हर लापरवाह बच्चा महसूस कर लेता है कि कष्ट और दुर्भाग्य कैसा होता है निश्चित रूप से अंधे बनने वाला दिन सबसे ज्यादा दुखदायी होता है पर कुछ बच्चे गुंगा बनने वाला दिन सर्वाधिक कठिन मानते हैं हम बच्चों के मुंह पर कोई पट्टी तो बांध नहीं सकते इस कारण उन्हें अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना होता है जरा बगीचे में चलकर सीएम देखिए कि बच्चे इस गंभीर खेल के बारे में क्या महसूस करते हैं मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल हियर जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस डोंट यू एवर पीप आई आस्क्ड द गर्ल ओ नो शी एक्सक्लेम डैड वुड बी चीटिंग बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफफुल टू बी ब्लाइंड यू कैन नॉट सी अ थिंग यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन आर यू आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू आई आस्क मिस बीम मुझे आंख पर पट्टी बंधी एक लड़की के पास ले गई और उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति आपसे बातें करने आए हैं और मिस बीम ये बोलकर हमें वहाँ छोड़कर चली गई तो उन्होंने कहा क्या तुम अब कभी झांकने की कोशिश नहीं करती मैंने लड़की से प्रश्न किया तो उसने कहा ओ कभी नहीं बड़े हैरानी से बोली ऐसा करना तो धोखा देना होगा पर मुझे यह अनुमान ना था कि अंधा बनना इतना भयानक होता है आप कुछ भी देख नहीं सकते आपको ऐसा लगता है कि कभी भी किसी चीज़ से टकरा जाएंगे बैठ जाना ज़्यादा सुखदाई होता है क्या तुम्हारे सहायक तुम्हारे प्रति दयालु होते हैं ये चीज़ मैंने उस लड़की से पूछी फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शेल बी वैन इट्स माई टर्न दो डेट हैव बिन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर इट्स परफेक्टली गैसली नॉट टू सी आई विश यू हैड ट्राई शेल आई लिव योर anywhere? आई आस्क Oh, yes, she said. Let's go for a little walk. Only you must tell me about things. I shall be so glad when today is over. The other bad days cannot be half as bad as this. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. Having an arm tied up is a bit more troublesome because you cannot eat without help and things like that. I don't think I will mind being deaf. for a day at least not much but being blind is so frightening my head aches all the time just from worrying that i will get hurt where are we now उसने कहा काफी हद तक परंतु वे इतने सावधान नहीं होते जितनी कि मैं हूं कि जब मेरी बारी आएगी जो पहले अंधे बन चुके हैं वे सबसे ज्यादा अच्छे सहायक होते हैं देख नहीं पाना पुनतियाँ भयानक होता है मैं चाहती हूँ कि आप अजमा कर देखें क्या मैं तुम्हें कहीं ले चलूँ मैंने उस लड़की से पूछा उसने कहा जी हाँ वह बोली चलिए थोड़ा सैर कर ले पर आपको मुझे चीज़ों के बारे में बताते रहना होगा आज का दिन समाप्त हो जाने पर मुझे बहुत खुशी होगी अन्य कष्टप्रद दिन उस दिन से आधे बुरे भी नहीं हो सकते टांगों को बांधकर कर बैसाखी की मदद से फुदकते हुए चलना तो शायद मज़ेदार होता है यदि एक बाजू बांध दिया जाए तो कष्ट बहुत अधिक होता है क्योंकि आप बिना किसी की मदद के खा पी नहीं सकते हैं तथा अन्य वैसी ही बातें मैं सोचती हूँ कि एक दिन के लिए बहरा होना मुझे बुरा नहीं लगेगा कम से कम बहुत अधिक कष्टदायक तो नहीं पर अंधा होना तो ज़्यादा कष्टदारी और डरावना होता है मेरे सिर में हर समय दर्द बना रहता है क्योंकि मुझे ये चिंता सताती रहती है कि मुझे चोट लग जाएगी अब हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं इन द प्ले ग्राउंड आई सेड We were walking toward the house. Miss Beans is walking up and down the garden with the tall girl. What is the girl wearing? My little friend asked. I blue, a blue cotton skirt and a pink blouse. I think it's Milly. She said. What color is her hair? Very light. I said. Yes, that's Milly. She is the girl, head girl. There, uh, there, an old man tying a process. I said. यस डेड डेड्स पीटर ही इज द गार्डनर ही इज हंड्रेड ऑफ ईयर ओल्ड एंड हेयर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर शी इज ऑन क्रचिस डैट्स अनिता शी सेड खेल के उस हमने मैंने बताया कि हम खेल के मदान मैदान में पहुंच गए हैं हम लोग घर की ओर चल रहे हैं मिस बीम एक लंबी लड़की के साथ बगीचे में टहल रही है लड़की ने क्या पहन रखा है उसने मुझसे पूछा नीली सूटी स्कर्ट तथा गुलाबी ब्लाउज तो उसने कहा कि शायद वह मिली होगी उसके बालों का रंग क्या है मैंने कहा बहुत हल्का तो उसने कहा हाँ वह मिली ही है वह हेड गर्ल है और एक बूढ़ा व्यक्ति गुलाबों को बांध रहा है मैंने कहा तो उसने कहा जी हाँ वह पीटर है माली है और उसकी आयु सैकड़ों वर्ष की है और यह एक लड़की घुंघराले लाल रंग के बालों वाली जो आ रही है वह बैसाखी के सहारे चल रही है वह अनिता है वह लड़की ने उसने ये चीज बताई एंड सो वी वॉकड ऑन ग्रेजुअली आई डिस्कवर डेट आई व टेन टाइम्स मोर देन आई एवर आई कुड बी आई ऑल्सो रिलाई डेट इफ आई हैड अ डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समन एल्स इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी वैन आई फाइनली हैड टू लीव आई टोल्ड मिस भीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो शी रिप्लाइड देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम ऑफ ट्रोल उसने कहा कि ओ शी रिप्लाइड देन देर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल और हम चलते रहे धीरे धीरे मुझे पता चला कि मैं पहले की अपनी सोच की अपेक्षा दस गुना अधिक विचारशील हो गया था मैंने यह भी महसूस किया कि यदि मुझे व्यक्तियों और वस्तुओं का वर्णन किसी अन्य व्यक्ति की जानकारी हेतु करना हो तो वे सभी मुझे अधिक रोचक हो जाएंगे तो अंत में जब मुझे वहां से चलने का मेरा समय आ गया तो मैंने मिस बीम को बताया कि मुझे जाते हुए दुख हो रहा है तो उन्होंने अच्छा में उत्तर दिया और उन्होंने कहा तो आप मानते हैं ना कि मेरी शिक्षा पद्धति में कुछ नवीनता है थैंक यू सो मच प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट